कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक बर्थडे पार्टी में, मेरी ननद है, उनका बच्चा है, तो वहीं पे मैं आई हूँ उनके घर पे। तो आज देखिए मैं ये साड़ी पहनी हूँ और आप लोगों को कुछ बातें भी मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था वीडियो बनाने का, आप लोगों तक भेजने का लेट हो गया है, तो मैं सोची कि आप लोगों को मैं यही बता दूँ। एक कमेंट आया था मेरे पास कि थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है से, तो एक कमेंट आया था कि दीदी ये जो ऑनलाइन कोचिंग क्या सही होता है करना सफलता के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या ये सही है? तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, कोचिंग ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, कोचिंग होता है, वहाँ के टीचर जो होते हैं उनका ये एक मकसद होता है कि बस वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको समझाएंगे, वही सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। आप जब तक अपने से नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, साथ में बुक का सहारा नहीं लेंगे, उस कोचिंग में जो वीडियोस आपको मिलते हैं या ऑफलाइन ही कोचिंग करते हैं, जो आपको लेक्चर मिलते हैं उसके आप नोट्स नहीं बनाएंगे, बुक और नोट्स और साथ में वो लेक्चर जो भी हो, तो आप उसको अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे और खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कोचिंग अगर ऑनलाइन की बात है तो मैंने ऑनलाइन ही किया था, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी, मैं जॉब करती थी तो ऑफलाइन में जाके क्लास नहीं कर सकती। और ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि रात में, जिसमें रात के आप लोगों को मैंने बताया कि 2 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी अक्सर क्या रोज ही, तो जब रात में आप वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं तो आपको जब भी टाइम है आप वो वीडियो को चला के देख सकते हैं, आप रात में भी क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आपको एक टाइम निर्धारित रहेगा, उसी टाइम पर आपको पहुंचना रहेगा। तो जैसे जो जॉब वाले हैं तो उनके लिए दिक्कत होती, मेरे लिए दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन किया था। तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, जब तक आप खुद दिन रात की मेहनत नहीं करेंगे, साथ में बुक भी नहीं बुक पढ़ेंगे और नोट्स भी पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट, मैं बता रही हूँ टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट लगाइए और टॉपिक वाइज टेस्ट, जो रोज़ का एक टॉपिक तैयार किया उसमें मुझे टेस्ट देना है। तो इतनी 3-4 चीज़ें मिला के जब तक आप नहीं करेंगे, और पुराने क्वेश्चन पेपर ले लीजिए उसको आप सॉल्व करते रहिए, जब तक ये सब नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कोचिंग से कोई मतलब नहीं होता कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह पे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ये छोटी सी ही होगी क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ, तो आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।